हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से 15 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स पर, यानी कि लास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिन के करंट अफेयर पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सीजीपीएससी पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। देखिए, ये बुक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास से जो है सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी बुक डिपो के पास ये पुस्तक जा चुका है। ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के लिए भी लिमिटेड एडिशन हमारे पास स्टॉक में है, तो समय रहते इस बुक को परचेस कर लीजिएगा जिन्हें आवश्यकता है। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और है आप लोगों के लिए। जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो वीडियो सीरीज चल रहा है 15 डेज वाला, तो जब जब आपका वीडियो आएगा, यूट्यूब पर अपलोड होगा वीडियो, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको अवेलेबल होगा हमारे मोबाइल ऐप में। छत्तीसगढ़ ई पाठशाला का जो हमारा मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में जा कर के आप इस टॉपिक से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको साइड स्क्रीन पर जो है प्रोसेस पूरा शो हो जाएगा। जैसे ही आप हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे, उसके होम पेज पे जाएंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस मिलेंगे। उस 3 लाइंस पे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री टेस्ट का। जैसे ही आप उस फ्री टेस्ट पर जाएंगे, तो आपको ये 1 से 15 जुलाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इन टॉपिक से, जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं उसमें भर भर के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऐसा उसमें आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी आपके पिछले 15 दिन में 10 टॉपिक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन ही प्रोवाइड होंगे। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और उसमें जो है व्याख्यात्मक, उसका नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसका मेजबानी कर रहा है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य ये ओलंपिक गेम्स आयोजित होंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये इसका कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है। आयोजन कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये ओलंपिक गेम्स आयोजित होंगे, ठीक है। इस बार जो आपके जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है, इसका थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। हिंदी में चलो चले और जश्न मनाए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये आपके ओलंपिक गेम का थीम यानी कि विषय है। इस ओलंपिक गेम का शुभंकर है फ्रीजियन कैप, ठीक है। फ्रीजियन कैप, कैप का मतलब टोपी। यहां पर आपको 2 टोपी दर्शाई गई है रेड कलर में, जो कि फ्रांस का झंडा पकड़े हुए है, ठीक। तो ये जो आपका जो इसका शुभंकर है, शुभंकर फ्रीजियन कैप है, जो कि फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रतीक है, ठीक। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक गेम्स का शुभंकर बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है? फ्रीजियन कैप को बनाया गया है, जो कि फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रतीक है। इस बार के आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, यानी कि पेरिस ओलंपिक में, 4 नए खेल भी शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और आपके स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। हाल ही में, अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड
कुछ नियुक्तियां की गई है इस ओलंपिक के लिए। सबसे पहले आपके इस 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक गेमों खेल में हमारे भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि पिछले टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है, पिछला जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके स्टार प्लेयर थे, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये जेवेलियन थ्रो भाला फेंक खेल से संबंधित है, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इस आपके पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है गगन नारंग को। गगन नारंग जो कि निशानेबाज है, ठीक है, जो कि निशानेबाज है, और ध्वजवाहक नियुक्त किए गए हैं आपके शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर को, ठीक। ये सेफ डी कमीशन ये है क्या, इसको थोड़ा ध्यान देना। देखिए सेफ डी कमीशन नीचे तरफ, फ्रेंच में सेफ डी कमीशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक खेल आयोजन में भाग लेने वाले किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए सेफ डी कमीशन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। ये जो वर्ड है ना सेफ डी कमीशन, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मिशन का प्रमुख, ठीक। ये जो है आपके सेफ डी कमीशन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेलियन थ्रो भाला फेंक से है। सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, गगन नारंग, जिनका संबंध निशानेबाज से है। और ध्वजवाहक यानी कि भारतीय झंडा लेकर के जो चलेंगे, ध्वजवाहक नियुक्त किए गए हैं टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल और आपके बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को, ठीक। ये जो पेरिस है, पेरिस में ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो रहा है। इससे पहले वर्ष 1900 में और 1924 के बाद अभी तीसरी बार पेरिस में जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो वो है आपकी पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा जो है ये वर्तमान में हमारे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट है, पीएससी और व्यापम में अगर किसी आपके एग्जाम में खेल टॉपिक है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाक्रम है तो उसमें ओलंपिक गेम्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कहाँ आयोजित हो रहा है, कब से कब तक आयोजित हो रहा है, भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है, सेफ डी मिशन कौन नियुक्त है, ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक, इसका शुभंकर क्या है, ये सारे फैक्टर को कवर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि 9 जुलाई को 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए, ठीक है, मॉस्को में, यानी कि रूस के मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल से नवाजा गया। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है। जिस प्रकार से हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी प्रकार से रूस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल, ठीक, जो कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को अब तक 16 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, ठीक है, जब से वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक उन्हें 16 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। ये जो आपका रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए उनके गले में पहनाया गया, यहां कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, हम भी जो है भारत रत्न विदेशी नागरिकों को भी हम प्रदान करते हैं। वैसे ही रूस देश जो है इस साल आपके 2024 में ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये इससे नवाजे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार का नाम याद रखना। अब प्रश्न क्या पूछेगा वो भी ध्यान देना। निम्नलिखित में से देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेशों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मान से वे सम्मानित नहीं हुए हैं, या निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। यहां पर पूरा लिस्ट दिया है,
कम से कम 2024 और 2023 के लिस्ट को याद रखना, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी 2024 में प्रदान किया गया। आपके ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2023 में प्रदान किया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2023 में इन्हें प्रदान किया गया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी 2023 में उन्हें प्रदान किया गया था। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी देश के द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। वैसे ही अगर हम अन्य सूची देखें तो यहाँ पर अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का नाम दिया गया है, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं, तो ये एक नज़र में इसे याद रखिएगा। अभी सबसे लेटेस्ट उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस देश के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस घोषित। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है 25 जून को। संविधान हत्या दिवस, जो कि एमरजेंसी से संबंधित है, भारत में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उस आपके आपातकाल को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन जारी कर हर साल 25 जून यानी कि इमरजेंसी की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। यह दिन उन लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द को झेला था। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 25 जून 1975 ये डेट आपको याद रखना है ईयर के साथ। 25 जून को तो भारत सरकार जो है हर साल संविधान हत्या दिवस मनाएगी, लेकिन इमरजेंसी कब लगा था हमारे देश में? 25 जून 1975 ईयर के साथ ये डेट को याद रखना। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए, देश में जो है 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाया गया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल का ऐलान किया था। प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, देखिए संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 25 जून। भारत में आपका इमरजेंसी कब लगाया गया था 21 महीने का? तो 25 जून 1975 को। जब 25 जून 1975 को जब भारत में 21 महीनों का इमरजेंसी लगाया गया, तो उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी। 25 जून 1975 को जब भारत में 21 महीनों का इमरजेंसी लगाया गया, तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। इतने सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल 25 जून संविधान हत्या दिवस ये रटते मत रहना, उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि भी याद करते हुए चलना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। स्पेन के कार्लोस अलकराज और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता। ठीक है, विंबलडन गेम, विंबलडन क्या है? एक टेनिस चैंपियनशिप है जिसमें पुरुष वर्ग का एकल खिताब ये जीता है स्पेन के कार्लोस अलकराज ने। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। जनरली जो है ये जो ग्रैंड स्लैम आपके जो टेनिस प्रतियोगिताएं होती है उसके चैंपियनशिप में कुछ स्टार प्लेयर है, जैसे कि नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर, ये सब क्या है? स्टार प्लेयर है। जनरली इनके नाम आपको हमेशा न्यूज़ में मिलेंगे, लेकिन अभी जो है इस साल विंबलडन 2024 का जो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है वो जीता है स्पेन के, यहाँ पे नाम याद रखना देश का, स्पेन के कार्लोस अलकराज ने। ठीक है, अगर महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है पूछा जाए तो चेक गणराज्य देश के बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने आपके 2024 का विंबलडन खिताब जीता। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि नहीं, एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैंने अक्षर के साइज़ को थोड़ा छोटा किया है। ठीक है, जनरली जो अक्षर के साइज़ मैं यूज़ करता हूँ उससे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वर्ड को, उनका जो फॉन्ट साइज़ है उसको छोटा किया है। तो अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगले बार से जो हम सेम फॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लेंगे, या तो अगर इसमें भी स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है तो इसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, देखिए, यह कार्लोस
अलक राज के लिए लगातार दूसरा विंबलटन एकल खिताब है और बारबोरा क्रेजी सीकोवा के यह पहला विंबलटन खिताब है, ठीक है। यानी कि महिला वर्ग में जो बारबोरा ने जो ये खिताब जीता ये इनका पहला बार है और जो कार्लोस अलक राज ने ये जो विंबलटन खिताब जीता यह उनका दूसरा बार है। पिछले बार 2023 में और इस बार 2024 में इन्होंने लगातार दूसरी बार विंबलटन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। यह अलक राज के लिए चौथा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब होगा। देखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जो है इसके टोटल चार फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी है। तो ये जो है ये सभी को कहा जाता है मिला करके ग्रैंड स्लैम। तो अलक राज के लिए यह चौथा ग्रैंड स्लैम आपका एकल खिताब होगा। उसने 2024 में फ्रेंच ओपन, 2022 में यूएस ओपन, 2023 और 24 में विंबलडन का खिताब जीता है, ठीक है। ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम है। ये जो आपके देखिए ये जो आपका टेनिस प्रतियोगिता है, टेनिस चैंपियनशिप है, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है आपका यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक होता है आपका विंबलडन, ठीक है। इन्हें ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। तो इनका ये इनका जो है ये चौथा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है, जिसमें 2024 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, 2022 में यूएस ओपन जीता, 2023 और 24 में विंबलडन इन्होंने जीता, ठीक। देखिए विंबलडन चैंपियनशिप के नाम से मशहूर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का 137वां संस्करण 1 से 14 जुलाई 2024 तक इंग्लैंड के विंबलडन में आयोजित हुआ। ये जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है इसे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। या फिर घुमा करके पूछेगा कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो उसका आंसर होगा कार्लोस अलकराज, ठीक। दोनों तरफ से घुमा के विंबलडन का ही अन्य नाम क्या है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, जिसका 137वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद यह एक कैलेंडर वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम आयोजन था। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि प्राकृतिक घास में खेला जाता है। नोवाक जोकोविक के नाम पे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। इन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, ठीक। और ये जो आपके अलग आपके कार्लोस जो है, कार्लोस इन्हीं नोवाक जोकोविच को हरा करके उन्होंने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक आपके ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है, नोवाक जोकोविच के नाम पे है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स एडवाइजरी काउंसिल। 16वें वित्त आयोग ने मंगलवार 6 जुलाई को 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का गठन किया। इस सलाहकार परिषद के संयोजक नियुक्त किया गया है डॉक्टर पूनम गुप्ता को, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद का संयोजक किन्हें नियुक्त किया गया, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये 16वां वित्त आयोग, देखिए 16वां वित्त आयोग का गठन जो है ये 31 दिसंबर 2023 को किया गया। संविधान के अनुसार वित्त आयोग हर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ। इस वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, अभी इसी जुलाई के महीने में ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हमारे छत्तीसगढ़ में भी आए थे, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके अरविंद पनगड़िया जी। संरचना, ये जो आपका 16वां वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 की संरचना है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। भूमिका, इस परिषद की भूमिका, कार्य और उद्देश्य राज्यकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सबसे अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों की तलाश करना है। विशेष, आयोग
भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच टैक्सेस की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित करे, और यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ये वित्त आयोग और उसके भूमिका एवं कार्य है, इसे भी याद रखना, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 16वें वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, और 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 31 दिसंबर 2023 को। ठीक, नेक्स्ट, फ्रांस ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नारद मल्होत्रा को। ये देखिए HCL टेक्नोलॉजी, आप में से बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, HCL कंपनी, HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष है वर्तमान में रोशनी नारद मल्होत्रा को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, रोशनी नारद मल्होत्रा, जिसे फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, और यह HCL टेक्नोलॉजीज की वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर 2 योजना, AGR 2 योजना, देखिए इस एग्रीकल्चर 2 योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2024 को गुजरात राज्य के गांधीनगर में हुआ। गुजरात राज्य के गांधीनगर में 102 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई। 102वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में इस एग्रीकल्चर 2 योजना की शुरुआत हुई। ये एग्रीकल्चर 2 योजना है क्या, ये नैनो उर्वरकों के सब्सिडी से संबंधित है। देखिए इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की यह AGR2 या एग्रीकल्चर 2 योजना के तहत किसानों द्वारा नैनो उर्वरकों की खरीद पर 50% सहायता प्रदान की जाएगी। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत की है, यानी कि नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो किसान इसे खरीदेंगे उन्हें 50% तक का सहायता भी इसमें प्रदान, सहायता यानी कि सब्सिडी इसमें प्रदान किया जाएगा। अमित शाह जी ने नेशनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा का भी इस आपके समारोह में उद्घाटन किया, इसे याद रख लेना। ये एग्रीकल्चर 2 ये किससे संबंधित है, नैनो उर्वरक सब्सिडी से। इस योजना की शुरुआत कब हुई, 6 जुलाई 2024 को हुई, और ये जो आपकी इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक, 11 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में इसके जो सदस्य राष्ट्र है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और हमारा भारत देश के विदेश मंत्री शामिल हुए। मुद्दा, इस बैठक में सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार और आपसी सहयोग पर बातचीत हुई। बिम्सटेक का पूरा नाम क्या है, देखिए इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्सटेक का फुल फॉर्म है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बिम्सटेक का पूर्ण नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 देश शामिल है, श्रीलंका 1, बांग्लादेश 2, म्यांमार 3, थाईलैंड 4, नेपाल 5, भूटान 6 और भारत 7। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बिम्सटेक का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जो है पाकिस्तान को इसमें अलग रखा गया है,
पाकिस्तान वैसे भी बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत नहीं आता है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, इसे याद रखना। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1997, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मौजूद है बांग्लादेश के ढाका में। बिम्स्टेक देशों की आबादी लगभग 180 करोड़ के आसपास है, GDP 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा, तो बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय है, इसे याद रखना, ठीक है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, भारत के नई दिल्ली में 11 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बांग्लादेश बना, ठीक है। बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव को 5वां पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला है। ये क्या है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या कॉन्क्लेव एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसे 2011 में एक त्रिपक्षीय हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था, ठीक है, जिसके सदस्य भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। 2021 में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया और अभी 2024 में आपके पांचवा सदस्य इसका बना है बांग्लादेश, ठीक है। पांचवा सदस्य इसका कौन बना है, बांग्लादेश। तो वर्तमान में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में सदस्य देशों की संख्या है आपकी 5 और एक आपका प्रेक्षक या पर्यवेक्षक देश है सेशेल्स, जो जिसे जो है पर्यवेक्षक देश आपका बनाया गया है। तो इसे याद रखना, ये जो आपका कोलंबिक सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है ना, ये त्रिपक्षीय हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में इसे गठित किया गया। शुरू में इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे। 2021 में मॉरिशस को शामिल किया गया। 2024 में इसमें जो है आपका शामिल किया गया बांग्लादेश को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च, बजाज ऑटोमोबाइल, ठीक है, बजाज कंपनी से आप सभी परिचित होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, हीरो की कंपनी, होंडा की कंपनी, TVS कंपनी, ठीक है, वैसे ही है आपकी बजाज। तो बजाज ऑटो ने CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल है, ठीक। ये बाइक CNG और पेट्रोल दोनों पर चलेगी। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है और 2 kg का CNG टैंक है। कंपनी का दावा है कि दोनों फ्यूल को मिला करके कंपनी 330 किलोमीटर चलेगी, यानी कि इसका एवरेज क्या होगा, 330 किलोमीटर। CNG से अब तक जो है 4-व्हीलर गाड़ियां चलती थी, ठीक है, जो कार है, कार में CNG का ऑप्शन आता है। अभी आपके EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी से चलने वाली बाइक्स का क्रेज है। उस बीच में दुनिया का पहला CNG से चलने वाला बाइक लॉन्च किया गया है बजाज कंपनी के द्वारा और इसे नाम दिया गया बजाज फ्रीडम 125। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, दुनिया का पहला मोटरसाइकिल है जो CNG से चलता है। CNG और LPG में अंतर होता है। CNG में मीथेन गैस का उपयोग होता है और LPG में यूज होता है आपका प्रोपेन गैस, ठीक है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, 1 जुलाई को लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानून। अब देखिए यहां पर जो आपको डेट बताऊंगा उस डेट पर मेन फोकस करना और साथ ही साथ आपके जो नाम परिवर्तन हुए हैं आपके क्रिमिनल कानून के और उसमें कुल कितनी धाराएं शामिल है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लागू किया गया। अब ये जो 3 नए क्रिमिनल कानून है इन्हें 21 दिसंबर 2023 इस डेट को याद रखना है ना, 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए 3 नए आधिकारिक कानून पारित किए, ठीक है। यानी कि संसद में ये जो नए क्रिमिनल कानून है यह कब पारित हुआ पूछा जाए तो 21 दिसंबर 2023 को, जिसे 2 दिन बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो 3 नए क्रिमिनल कानून है इसे संसद ने कब पारित किया, 21 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति ने किस तिथि को मंजूरी प्रदान की, 2 दिन बाद आपके
25 दिसंबर 2023 को, और ये तीन नए क्रिमिनल कानून अखिल भारत स्तर पर कब लागू हुए, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब ये है क्या, देखिए ये जो आपके क्रिमिनल कानून है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड से लागू किए गए थे, जिसमें से बहुत से आपकी धाराएं ये इररिलेवेंट थी, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं था, उसमें बदलाव किए जाने की आवश्यकता थी और कुछ कानूनों को सख्त बनाए जाने की आवश्यकता थी। जैसे कि एक है आपका इंडियन पिनल कोड, जिसे आप IPC के नाम से भी जानते हैं, इंडियन पिनल कोड जो कि वर्ष 1860 में लाया गया था। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड का नाम परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, IPC इंडियन पिनल कोड का नया नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। वैसे ही 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। ठीक है, CRPC कानून के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है। वैसे ही 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड के स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाया गया। तो ये ईयर को भी थोड़ा याद रख लेना, IPC 1860, CRPC 1898 और आपके इंडियन एविडेंस कोड 1872, और ये सभी के सभी को नया कानून बना के लागू किया गया 1 जुलाई 2024 को, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। ठीक है, ये 2023 है जिन्हें लागू किया गया कब, 1 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय स्तर पर। अब इसमें जो जो बदलाव हुए हैं उसे ध्यान देना, 1860 में बने इंडियन पिनल कोड IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया है। BNS भारतीय न्याय संहिता कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, कैंसल कर दिया गया, 175 में बदलाव किया गया है, और इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 356 धाराएं हैं, ये याद रखना। ठीक है, BNS भारतीय न्याय संहिता में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं पूछा जाए, तो वर्तमान में इसमें कुल आपके 356 धाराएं हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके IPC की कुछ धाराएं जो कि चेंज की किया गया है आपके BNS में, जैसे मर्डर केस, पहले जो मर्डर केस था उसके लिए लगता था IPC की धारा 302, अब लगेगा BNS की धारा 101। जो आपके धोखाधड़ी का केस है, हम जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 420, ठीक है, 420 का हम केस कर देंगे धोखाधड़ी का केस, तो 420 के स्थान पर अब कहा जाएगा BNS की धारा 318। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिसे बता रहा हूं, रेप केस, ठीक है, बलात्कार, जिसमें पहले 375 IPC की धारा 375 लागू थी, अब हो गया है आपके BNS की धारा 63, गैंग रेप यानी कि सामूहिक बलात्कार, जिसमें आपकी धारा 376D पहले आपका लगता था IPC का, अब लगेगा 70, BNS की धारा 70। गैर कानूनी सभा 141 से 144 की IPC की धारा लगती थी, अब 187 से 189 लगेगा। दंगे में 146 की धारा लगती थी, अब 191 की धारा लगेगी BNS की। दहेज हत्या में पहले 304B की धारा लगती थी IPC की, अब लगेगी BNS की 80 की धारा। हत्या के प्रयास में 307 की धारा लगती थी, अब BNS की लगेगी 109 की धारा। मानहानि के केस में पहले 499 की IPC धारा लगाया जाता था, अब लगाया जाएगा 356 की BNS धारा। किडनैपिंग में 359 की धारा लगाई जाती थी IPC की, अब लगेगी 137 की BNS धारा। हमला करने पर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हमला किया जाता है, तो पहले IPC की धारा 351 का प्रावधान था, अब BNS की धारा 130 इसमें लागू होगी। पीछा करने पर 354D, अब BNS की धारा आपकी 78 है। इसमें मर्डर, धोखाधड़ी, रेप, गैंग रेप, ठीक है, कम से कम इतने के तो याद रखिएगा। 400 BC का जो केस, हम जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते थे, अब बोलना 318 की केस, ठीक है, ये कुछ परिवर्तन हुए हैं। वैसे ही 1998 में जो CRPC जो कानून था उसका नाम परिवर्तित करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। इस CRPC में 9 प्रावधानों को निरस्त किया गया, 160 प्रावधानों में बदलाव किए गए और 9 नए प्रावधान जो है नए प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितने धाराएं हैं पूछा जाएगा, तो टोटल 500
33 इसमें धाराएं हैं। वैसे ही जो इंडियन एविडेंस कोड 1872 में था उसका नाम परिवर्तित करके भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया। इसमें जो है आपके इंडियन एविडेंस कोड में 5 प्रावधानों को निरस्त किया गया, 23 प्रावधानों में बदलाव किए गए और 1 प्रावधान शामिल किया गया। तो वर्तमान में इस भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में धाराओं की संख्या कितनी है? 170। याद रखना ना, भारतीय साक्ष्य संहिता में धाराओं की संख्या 170, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या 553 और आपका एक है भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या 356। धाराओं की संख्या को तो कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग संपूर्णता अभियान। अब ये क्या है? नीति आयोग संपूर्णता अभियान जो कि 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक यह चलाया जाएगा। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक इस अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 122 आकांक्षी जिलों, 500 आकांक्षी ब्लॉक में चिन्हांकित 6 संकेतकों में से प्रत्येक में पूर्णता हासिल करना है। पहला चीज तो ये, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का संबंध किससे है? इसका संबंध आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसके नाम से आप सभी परिचित होंगे, और दूसरा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत से जिले इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत टोटल 112 आकांक्षी जिले आते हैं पूरे भारत भर में से, और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत भर में से 500 ब्लॉकों का चिन्हांकन किया गया है। इसमें 6 चिन्हित संकेत, आगे आपको बताऊंगा कौन से संकेतक है, 6 चिन्हित संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना है इस समय अवधि के अंतर्गत 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के मध्य। तो ये संपूर्णता अभियान नीति आयोग किससे संबंधित है? आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसे जनवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इसमें पूरे देश के 112 जिलों का चयन किया गया। इसमें पांच विषय वस्तुओं पर ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्रित है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल तथा अवसंरचना, इन पांच आपकी विषय वस्तु पर केंद्रित है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति मापी गई है इस आपके आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये 2018 में आपका लागू हुआ था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आपका आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आपका लागू किया गया। पूरे भारत भर के 329 जिलों में 500 ब्लॉकों का चयन किया गया। ये भी पांच विषय वस्तुओं पर केंद्रित है, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। ठीक है, जैसे यहाँ कृषि एवं जल संसाधन है, इसमें कृषि एवं संबद्ध सेवाएं हैं। अवसंरचना, दोनों में अवसंरचना है, और इसमें है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास। प्रगति को विकास के 40 संकेतकों पर इसमें मापा जाता है। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इस बार छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 2 जनगणना या जनसंख्या वाले टॉपिक में आकांक्षी ब्लॉक के आंकड़े दिए गए हैं, उसे वहां से पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए जो से बात किया जा रहा है कि 6 संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना, तो ये 6 संकेतक कौन कौन से है? देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो वैसे कम है, लेकिन अगर कथन आधारित प्रश्न पूछा गया तो फिर हर एक लाइन का जो है सेपरेट कथन बना सकता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब लागू किया गया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया, और नीति आयोग का संपूर्णता अभियान क्या है, और ये जो 6 संकेतक की बात हो रही है जिसमें परिपूर्णता हासिल करना है, उसे एक एक बार रीड कर देते हैं। संपूर्णता अभियान के सभी आकांक्षी ब्लॉक में निम्नलिखित 6 चिन्हांकित KPI पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्ण देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत ब्लॉक के लक्षित जनसंख्या के मुकाबले, मधुमेह जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाले गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत, और ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड
प्राप्त करने वाली स्व सहायता समूहों का प्रतिशत, ये जो है आपके 6 चिन्हांकित आपके संकेतक है। वैसे ही संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में 6 चिन्हांकित KPI कौन कौन से है वो ध्यान दीजिएगा। सेम है, पहली आपकी त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्ण देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। दूसरा, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। तीसरा, पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 9 से 11 माह, BCG, DPT-3, OPV-3 और खसरा-1, ये सब टीकाकरण है बच्चों का। वितरित मृदा सुरक्षा कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत। ये 6 संकेतकों को एक नज़र में याद रखिएगा। लेकिन इतना याद रखना कि संपूर्णता अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका संबंध आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से है, जिसमें आपके आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के 6 संकेतकों में परिपूर्णता लाना है। कब से कब तक? 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2024 के मध्य। नेक्स्ट, अब देखिए, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, उसको एक एक करके फटाफट रीड करते हैं। सबसे पहले, भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? गौतम गंभीर को, ठीक है। अभी जो है आपके मुख्य कोच से रिटायर हुए हैं आपके राहुल द्रविड़, उनके बाद अगला जो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पूछा जाए तो वो है हेमंत सोरेन, जिन्हें ये जो है आपके जेल में थे, जेल से इन्हें बेल मिली, उसके बाद वापस आकर के झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है पूछा जाए तो हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के प्रमुख सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एस स्वामीनाथन की पुत्री है। एस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के चेयरमैन, SBI जो कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर का एक सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि स्टेट बैंक के चेयरमैन वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी, जो है ये SBI के वर्तमान चेयरमैन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं आपके KP शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली इनका पूर्ण नाम है। ईरान के नए राष्ट्रपति ये बने हैं आपके मसूद पजश्कियान, ठीक है। इसके जो पूर्व आपके राष्ट्रपति थे ईरान के, जिनका नाम था इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था इसी साल, इसीलिए ईरान के नए राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ बना था जब इनका, देखिए, किसी देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होना और उसमें उनकी मृत्यु होनी एक बहुत बड़ा विषय था। तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है पूछा जाएगा तो मसूद पजश्कियान, ये जो है आपके नए राष्ट्रपति है। 16वां नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के मध्य मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 16वां नोमैडिक एलिफेंट ये संयुक्त युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, तो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में। 13वें अभ्यास मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभ्यास मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण किन देशों के मध्य हुआ? भारत और थाईलैंड के मध्य अभ्यास मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ थाईलैंड के टाक प्रांत में। पिच ब्लैक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि आपका 20 देश, इसमें 20 देश शामिल हुए हैं, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन में इसका आयोजन हुआ है। ये पिछले 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी जाकर के शामिल हुई है। तो याद रखना कि पिच ब्लैक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें 20 देश के आपके वायुसेना शामिल हुए, इसका
आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन में हुआ है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी किसे सौंपी गई है तो सिंगापुर। इसे आप चेस यानी कि शतरंज का वर्ल्ड कप बोल सकते हैं। इसकी मेजबानी सौंपी गई है आपके सिंगापुर को। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है गोवा। गोवा राज्य में 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य जो है पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर फैक्ट। लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल गर्ल्स विल बी गर्ल्स को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट सीरीज में भारत की स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे बड़ी साझेदारी 292 रन की साझेदारी कर रिकॉर्ड बनाया। इस साझेदारी में स्मृति मंधाना ने 149 रन बनाए। शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज है। पहली भारतीय बल्लेबाज है मिताली राज, ठीक है, उसके बाद दूसरी है आपकी कौन, शेफाली वर्मा। तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, महिला क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज में सबसे ओपनर में सबसे बड़ी साझेदारी करने का जो इतिहास बनाया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने। ICC T20 ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक, इन्हें ICC T20 ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या को फर्स्ट रैंक मिला है और यह रैंक हासिल करने वाले यह पहले भारतीय खिलाड़ी है। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। प्रोफेशनल रेसलर जॉन सीना ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 16 बार WWE वर्ल्ड कप चैंपियन है जो कि एक रिकॉर्ड है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इस स्तर का तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, जब आपके PSC में ऑलरेडी बियर बाइसेप यूट्यूब चैनल किसका है ना, आपके रणवीर इलाहाबादिया का, ये जब क्वेश्चन आ सकता है तो फिर क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े, अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का होस्ट उससे जब क्वेश्चन जब पूछ सकता है, तो जॉन सेना तो एक आपके इंटरनेशनल जो है इनका एक पहचान है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। जॉन सेना का संबंध किससे है, ये एक प्रोफेशनल रेसलर है। स्विट्जरलैंड में होने वाले लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने शाहरुख खान। शाहरुख खान को पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म यानी कि करियर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा और यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय है शाहरुख खान। भारतीय रेसर अविनाश सावले ने पेरिस डायमंड लीग में 8 मिनट 9 सेकंड 91 मिली सेकंड के समय में 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस पूरी करने का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश सावले जो है ये भारतीय रेसर है यानी कि धावक, इनका नाम याद रख लेना, ठीक है। पेरिस डायमंड लीग से इनका संबंध है जिन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। संयुक्त राष्ट्र UN ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश रोडोडेंड्रॉन उद्यान इसकी स्थापना की गई है। ये जो रोडोडेंड्रॉन है ना, ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष, नेपाल देश का राष्ट्रीय वृक्ष और नागालैंड का राष्ट्रीय पुष्प है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश उद्यान की स्थापना की गई है। 8 देशों का महिला T20 एशिया कप 2024 19 जुलाई 2024 को RDICS
दांबुला श्रीलंका में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, टी20 एशिया कप की बात हो रही है। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे यूरो कप के नाम से भी जाना जाता है, बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके अपनी चौथी यूरो कप जीता। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप या यूरो कप किनके द्वारा जीता गया? स्पेन देश के द्वारा जीता गया। तो ये था आपका 1 से 15 जुलाई 2024 तक का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप जा करके हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप के फ्री टेस्ट में जा करके इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।